नहीं चलाते हो, पुराने संस्कार के आधार से मन बुद्धि चलेंगी। अगर आप इधर बैठो, मन में विचार आएंगे जरूर। किस प्रकार के आएंगे? कोई देहधारियों के और किसी के विचार चलेंगे ही, तो संस्कार के अनुसार चलेंगे। बुद्धि के अंदर किसी न किसी की याद आएंगी जरूर, नहीं आएंगे से नहीं, लेकिन पुराने संस्कार के अनुसार चलाएंगे तो दोबारा पाप बनेगा। और ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को चलाओ, तो ज्ञान की विधि बताया, मैं कौन, मेरा रूप। अगर जब भी योग में बैठते हो, खाली बैठेंगे ऐसे ही, तो दूसरे से देख लो आप, जब गीत बजता है, गीत सुन रहे आप, गीत सुनते सुनते भी देखो दूसरे विचार आते हैं, है ना। मुरली सुन रहे हो, सुनते सुनते भी आएंगे, कहां से आते हो? बुद्धि। बुद्धि को कोई काम नहीं, मन सुनता है। बुद्धि को अनुभव करना होता है, समझ चाहिए। तो वो बुद्धि गीत सुनते सुनते, कमेंट्री सुनते सुनते, मुरली सुनते सुनते और कई कई बुद्धि विचार जाते हैं वो बुद्धि के अंदर, तब कहते हैं बुद्धि भटक रही है, तब कहते हैं ध्यान दे दो। तो ध्यान कैसे दे दो? तो उसके लिए कहा सवेरे और शाम एक दफा ये मन और बुद्धि को आपने एक किया, ये रोज अगर आदत डालते हो, ये दोनों एक साथ चलेंगे। और इन दोनों को एक करना, इसका अर्थ है एकाग्रता। नहीं तो मन में कुछ विचार चलता है, बुद्धि और कुछ करती है, तब कहते हैं योग लगता नहीं, व्यर्थ विचार आते हैं, माया आती है। कहां से आई है? अपने आप तो नहीं आई। तो हमने मन बुद्धि को काम नहीं दिया।